hello children in this video we will get to know what is tuple and how we can create a tuple okay so अ टप्पल इज़ अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सिक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ बिलोंगिंग टू एनी टाइप टपल क्या है टप्पल एक डेटा टाइप है ओके okay? जैसे पाइथन के और डेटा टाइप्स हैं इन डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है इंटीजर okay? वैल्यूज़ आती हैं ओके फ्लो डेटा टाइप उसके अंदर आपके डायसीमल वैल्यूज़ आती हैं

टप्पल इज हेट्रोजीनियस ओके तो इसके अंदर आप जो वैल्यूज ले रहे हैं वो किसी भी डेटा टाइप से बिलोंग कर सकती है आप सिंगल डेटा टाइप को भी यूज कर सकते हैं मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स भी आप इसके अंदर ले सकते हो ओके नाउ टप्पल्स आर दी कोमा सेपरेटेड सिक्वेंस ऑफ वैल्यूज डिक्लेयर्ड यूजिंग यूजिंग पैरेंथेसिस ओके अभी क्या कह रहा है टप्पल्स की आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे उसकी करेटिस्टिक्स क्या है टप्पल्स के अंदर आप वैल्यूज़ को जब सिक्वेंस में उसके अंदर स्टोर करते हो तो क्या होता है वैल्यूज़ एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होती हैं ओके फर्स्ट वैल्यू देन कोमा सेकेंड वैल्यू देन कोमा लाइक दिस ओके एंड टपल की पहचान क्या है टपल में क्या होते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में राउंड ब्रैकेट्स होते हैं जिसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं राइट right? तो टपल्स क्या है जब आप डिक्लेयर करोगे उसकी वैल्यूज़ तो कैसे डिक्लेयर करोगे स्टार्टिंग में आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे ओके okay? एंडिंग में राउंड ब्रैकेट लगाओगे ओके एंड इट इन बिटवीन आप राउंड ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ को दोगे और जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एक दूसरे से कोमा की हेल्प से सेपरेट होंगे राइट नाउ टपल्स आर इम्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है जो चेंज नहीं होता तो ये क्या कह रहा है टपल्स क्या है इम्यूटेबल है वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल इन प्लेस अब अगर आप व्हाट डज इट मीन इसका मीनिंग क्या है आप टपल के एलिमेंट्स को इन प्लेस मतलब एट ओरिजिनल प्लेस पे चेंज नहीं कर सकते राइट right? आप टपल के एलिमेंट्स अगर आप कुछ भी चेंज करना करोगे टपल के एलिमेंट में तो क्या होगा एक न्यू टपल क्रिएट हो जाएगी बट ओरिजिनल टपल चेंज नहीं होगी राइट right? पैटर्न क्रिएट्स अव टपल वेन वी मेक चेंजेस टू एन एलिमेंट ऑफ अ टप्पल ओके तो टप्पल क्या है इम्यूटेबल है आप उसको ऑरिजिनल टप्पल में कोई भी चेंज नहीं करते इफ यू चेंज नहीं होता है अगर आप चेंज करते हो मॉडिफिकेशन करते हो उसके एलिमेंट्स में तो क्या होता है मोडिफिकेशन के बाद वो न्यू टप्पल बन जाती है बट जो ऑरिजिनल टप्पल होती है वो एज इट इज रहती है ओके द एलिमेंट्स इन टपल आर एड्रेस्ड यूजिंग देअर इंडेक्स वेल्यू ओके तो एलिमेंट्स होते हैं जो टपल में उन्हें हम किसकी हेल्प से एड्रेस करते हैं इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एड्रेस करते हैं जैसे आप लिस्ट में करते हो लिस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं सो ऑन so आप स्ट्रिंग में करते हो जीरो इंडेक्स से वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू स्टार्ट होती है देन सो ऑन एरेस में आप करते हो इंडेक्स वैल्यू से आइडेंटिफाई जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होते हैं सो ऑन राइट ऐसे ही टपल में भी आपका क्या है एलिमेंट्स इंडेक्स वैल्यू से एड्रेस किए जाते होते हैं होते द इंडेक्स वैल्यू ऑफ टपल जीरो अगेन ओके इंडेक्स वैल्यू जो टपल की है वो भी जीरो से स्टार्ट होती है राइट नाउ सिंटेक्स ओके टपल सिंटेक्स टपल को हम कैसे डिफाइन करेंगे टपल नेम इक्वल टू ओके एंड वैल्यूज को किसमें राउंड ब्रैकेट्स में आप एनक्लोज करोगे ओके एंड वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए व्हाट वी हैव वी हैव कोमा राइट इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर द टपल ओके नाउ वेयर हियर वी हैव सम एग्जांपल ऑफ टपल्स सबसे पहले हमारे प्यास क्या है empty tuple okay tuple with no member wo tuple jo kya hai khali hai this is your empty tuple right this is your empty tuple humne kya kiya simple round brackets diye hain iske andar values nahi diye right so this is empty tuple okay next tuple of integers okay हमने jitni values liye हैं integers liye हैं, तो ये integers की tuple है. then tuple of numbers integers and फ्लोटिंग पॉइंट ओके नेक्स्ट टपल क्या है आई टोल्ड यू मैंने अभी आपको बताया था टपल क्या होती है हाइड्रोजीनियस होती है आप उसके अंदर एक से ज्यादा डेटा टाइप की वैल्यूज को ले सकते हो एक साथ राइट right? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका इंटीजर है देन 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 आपका फ्लो फ्लोट फ्लोट नंबर है इंटीजर राइट uh, right? तो ये क्या होगी टपल ऑफ नंबर्स देन टपल ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे आपने करेक्टर्स लिया एबीसी मिक्सड वैल्यू टाइप्स हैट्रोजीनियस टपल देखो यहाँ पे आपने करेक्टर लिया है देन नंबर देन करेक्टर देन फ्लोट देन स्ट्रिंग ओके तो यहाँ आपने मिक्स वैल्यूज ली है इस टपल के अंदर ओके okay? देन आपकी नेक्स्ट टपल है टपल ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यूज ली है आपने रेड ग्रीन ब्लू ओके देन वी हैव नेस्टेड टपल ओके नेस्टेड टपल क्या है टपल इनसाइड अ टपल जब एक टपल के अंदर जो एलिमेंट है वो भी टपल हो ओके okay, उसे कहते हैं नेस्टेड टपल अब देखो ये हमारी टपल uh, है दिस इज टपल तो इस टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है टपल्स है ओके okay, तो जब टपल के अंदर टपल हो तो उसे क्या बोलते हैं नेस्टेड टपल फाइन तो यहाँ पे देखो इस टपल के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है टपल है टपल ओके नाउ अब क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल टपल एंड लिस्ट इनसाइड अ टपल इस टपल में क्या है टपल uh, के अंदर जो एली फर्स्ट एलिमेंट है वो खुद एक टपल है और जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है लिस्ट है फाइन सो दिस इज ऑल्सो ओके टपल हमने जो टपल बनाई है उसके एलिमेंट क्या है टपल ऑफ लिस्ट राइट नक्स्ट अंटेनिंग स्ट्रिंग लिस्ट तो, okay? तो, uh, right? तो यहाँ पे हमने जो टपल के एलिमेंट लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो एलिमेंट uh, है वो करेक्टर्स है और फोर्थ एलिमेंट जो हमारा है वो लिस्ट है राइट तो टपल इज वॉट इट इज अ सिक्वेंस इट कंटेन्सिकस ऑफ वैल्यूज ओके एंड दीज वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप आप कोई भी वैल्यू टपल के अंदर ले सकते हो किसी भी डेटा टाइप की मिक्स मिक्स ऑफ वैल्यूज भी ले सकते हो और होमोजीनियस वैल्यूज भी आप ले सकते हो राइट होमोजीनियस मीन्स एक सिंगल डेटा टाइप को भी आप सिंगल डेटा टाइप की वैल्यूज भी ले सकते हो और मल्टीपल डेटा टाइप्स की भी वैल्यूज ले सकते हो टपल के अंदर राइट right? हाउ वी विल क्रिएट द टपल टपल को कैसे क्रिएट करेंगे अ टपल इज क्रिएटेड बाई एनक्लोजिंग द आइटम्स इन पैरिसके तो टपल कैसे क्रिएट होगी जब हम को मतलब राउंड ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे रखेंगे एंड सेपरेटेड बाय ये मैंने अभी आपको बताया कि टपल आप कैसे क्रिएट करोगे राउंड ब्रैकेट इंडिकेट्सो आई कि राउंड ब्रैकेट ही क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है टपल है फाइन जब स्क्वायर ब्रैकेट होते तो क्या होता है वो लिस्ट होती है ओके okay? जब राउंड ब्रैकेट होता है तो क्या होता है टपल होता है राइट right? एग्जांपल अभी हमने देखी थी और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं जैसे टपल वन है ओके okay? इसमें सारी इंटीजर वैल्यू है टपल टू है उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यूज ली है देन टपल थ्री कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन किसका है स्ट्रिंग वैल्यू एंड नंबर्स का है टपल फोर आपकी क्या है एम्प्टी टपल है राइट right? तो देखो क्रिएट कैसे किया है टपल नेम टल नेम इक्वल टू ओके एंड राउंड ब्रैकेट में आपने वैल्यूज लिया वैल्यूज किसकी है क्या किया चार टपल्स को क्रिएट किया है फाइन दस टू क्रिएट अ टपल वी कैन राइट इन द फॉर्म गिवन विलो तो इट्स इट इज वेरी सिंपल टपल को क्रिएट करना है अगर आपको एम टी टपल क्रिएट करनी है तो क्या करना है टपल नेम कुछ भी ले सकते हो इक्वल टू एंड राउंड ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स में आप कुछ भी नहीं दोगे तो कौन सी टपल क्रिएट होगी एम टी टपल क्रिएट होगी और अगर आप राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज दे रहे हो तो क्या होगा जो टपल है उसके अंदर वैल्यूज होंगी राइट दिस कंस्ट्रक्ट इज नॉन एज टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट और इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को हम क्या बोलते हैं टपल डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट ओके जो आपने पर्टिकुलर सिंटेक्स लिया है इसे टपल फंक्शन के यूज से जो टपल क्रिएट होगी उसका नेम क्या होगा उसका नेग ठीक है एग्जाम्पल हम ले, ले, लेते हैं टी नेम ऑफ द टपल आप कुछ भी ले सकते हो जो भी टपल का नाम लेना है इक्वल टू टपल फंक्शन आप सिंपली टपल फंक्शन ले रहे हो तो टपल फंक्शन क्या क्रिएट कर देगा आपका एम टी टपल को क्रिएट कर देगा ओके विद द हेल्प ऑफ टपल फंक्शन यू कैन क्रिएट एन एम टी टपल राइट

राइट तो वो टपल कंसीडर नहीं होता वो या तो करेक्टर कंसीडर होगा अगर आपने करेक्टर लिया है स्ट्रिंग कंसीडर होगा अगर आपने स्ट्रिंग लिया है इंटीजर कंसीडर होगा अगर आपने इंटीजर लिया है फ्लोट कंसीडर होगा अगर आपने फ्लोट लिया है राइट तो अभी देखो पहले हम ये एग्जांपल देख देखते हैं फिर मैं बताऊंगी कि कैसे आप उसको टपल में कन्वर्ट करोगे अब देखो आपने क्या किया यहाँ पे टप्पल बनाने की कोशिश की है टी वन टप्पल ने में इक्वल टू और राउंड ब्रैकेट में आपने क्या दिया स्ट्रिंग वैल्यू या करेक्टर वैल्यू आपने दी तो है ठीक है तो ए इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ टप्पल हेयर तो यहाँ पे क्या होगा आपने क्या सिंपली इसको दिया है तो क्या होगा सिंगल एलिमेंट की हम बात करें जब सिंगल एलिमेंट आपने दिया है तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो ये स्ट्रिंग क्लास दिखा रहा है टप्पल नहीं दिखा रहा है

टप्पल विद सिंगल वैल्यू एलिमेंट अगर आपको सिंगल एलिमेंट से टपल बनाना है तो आप क्या करोगे आफ्टर दिंगल एलिमेंट ओके अगर आपको सिंगल एलिमेंट से टप्पल बनाना है तो आपको क्या करना है उस एलिमेंट और उस या उस वैल्यू के बाद कोमा एड करना है मतलब फाइनल कोमा आपको देना है राइट right? ओके okay? टी वन वेरिए क्या हमारा क्लास टपल अब ये टपल क्रिएट हुआ है अब एक स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है ये टपल है क्यों क्योंकि हमने इसके बाद क्या दिया है फाइनल कोमा दिया है राइट right? ओके okay? जो आप सिंगल वैल्यू लेते हो उसके बाद आपको कोमा जरूर देना है इट्स मैंडेटरी इफ़ यू वांट टू क्रिएट द टपल फाइन ओके अब देखो आपने इसको प्रिंट कराया तो क्या ये एज अ स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हुआ, हुआ है एज अ टपल प्रिंट हुआ है फाइन एज अ टपल प्रिंट हुआ है ऐसे ही आपने जब आपने नेक्स्ट दिया टी टू इक्वल टू टू उसके बाद कोमा दिया ओके okay? आपने स्ट्रिंग uh, uh, आपने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली और उसके बाद कोमा दिया राइट right, अब आप इसको टाइप इसको इसका डेटा टाइप प्रिंट कराना चाहते हो बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन तो यहाँ पे देखो आपकी क्या है क्लास टप्पल ये क्या अब क्रिएट हुआ है टप्पल क्रिएट हुआ है फाइन ओके okay, और जब आपने इसको प्रिंट कराया तो देखो यहाँ पे टप्पल डिस्प्ले हुआ है टपल यहाँ पे क्रिएट हुआ है फाइन इंटीजर वैल्यू नहीं है अब ये क्या है टपल बन गया तो अगर आपको सिंगल एलिमेंट से टपल क्रिएट करनी है तो उस सिंगल एलिमेंट के बाद आपको फाइनल कोमा पुट करना है फाइनल कोमा जरूर लगाना है राइट right? नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या दिया टपल का नेम टी इक्वल टू तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप टपल क्रिएट करते हो उसमें लगाना mandatory नहीं है आप उसको स्कीप भी कर सकते हो राइट right? ओके okay? तो यहाँ पे आपने फोर दिया एंड देन कोमा आप देखो इसका टाइप अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी क्या है क्लास टपल है ओके okay? और जब आपने इसको प्रिंट कराया तो देखो टपल फॉर्म में ही प्रिंट हुआ है राइट ओके सो पेरेंथेसिस आर नॉट मैंडेटरी इन क्रिएटिंग द टपल ना वी हैव लॉन्ग टप्पल अगर आपके पास क्या है बहुत बड़ी टपल है तो कैसे आप उसको रिप्रेजेंट uh, uh, कर सकते हो इफ़ अ टपल कंटेंस मैनी एलिमेंट देन टू एंटर सच लॉन्ग टपल वी कैन स्प्लिट इट अक्रॉस सेवरल लाइन्स एज गिवेन ब्लो राइट तो वट डज इट मीन अगर आपके पास बहुत बड़ी टपल uh, है बहुत लॉन्ग टपल है तो आप क्या सकते हो? सकते हो? कर, कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को डिफरेंट लाइन्स में स्प्ड करके डिस्प्ले कर सकते हो लाइक दिस यहाँ पे एग्जाम्पल हमने स्क्वेयर रूट्स नॉट स्क्वेयर्स स्क्वेयर्स लिए लिए हैं, ऑफ़ नंबर ओके, तो देखो आपने क्या किया, एलिमेंट्स को फोर लाइन्स में आपने डिवाइड कर दिया है राइट लॉन्ग टपल को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो फाइन उसके एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स में आप डिस्प्ले करा सकते हो ओके okay? नेक्स्ट वी हैव नेस्टेड टपल इफ अ टपल कंटेन्स एन एलिमेंट व्हिच इज अ टपल इट सेल्फ देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड टपल ये मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया भी था अगर एक टपल के अंदर दूसरी टपल है एज अ एलिमेंट तो उस टपल को हम क्या बोलते हैं नेस्टे टपल बोलते हैं राइट ओके फॉलोइंग इज अ नेस्टे टपल देखो यहाँ पर भी हमने सेम एग्जाम्पल लिया ये इंटीजियर वैल्यू है वन टू थ्री इसकी इंटीजियर वैल्यू है जो उसकी फोर्थ वैल्यू है वो क्या है वो टपल है फाइन तो जब एक टपल के अंदर दूसरा टपल होता है या नंबर ऑफ एज एलिमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं नेस्टेड टपल बोलते हैं राइट right? अब देखो यहां पे टपल टी वन हैज फोर एलिमेंट टपल टी वन में फोर एलिमेंट है वन टू थ्री ओके एंड और हमारा क्या है वो खुद एक टपल है टपल इट सेल्फ है टपल ओके जब एक टपल के अंदर दूसरी टपल होती है एज एलिमेंट तो उसे क्या बोलते हैं नेस्टेड टपल ओके सकते हैं द टपल कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ सिक्वेंस इन टू टपल ओके तो फंक्शन टपल की से हम किसी भी सिक्वेंस को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं राइट right? और टपल uh, फंक्शन का हमने एम टी टपल क्रिएट करने में भी यूज किया था ओके okay? अब सेंटेस क्या है टपल नेम आप टपल नेम कुछ भी ले सकते हो टपल फंक्शन और टपल फंक्शन के अंदर आप सिक्वेंस को पास करोगे जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है टपल में कन्वर्ट करना है राइट वे सिक्वेंस कैन बी एनी काइंड ऑफ सिक्वेंस और सिक्वेंस कोई भी सिक्वेंस हो सकती है स्ट्रिंग सिक्वेंस हो सकता है लिस्ट हो सकता है और टपल इट सेल्फ और दूसरी टपल हो सकती है फाइन तो सिक्वेंस कुछ भी कोई भी सिक्वेंस हो सकती है

ओके okay, अब यहाँ पे स्ट्रिंग सीक्वेंस से क्या होगा टपल क्रिएट होगी और वो टपल आ, का नेम क्या है टी वन ओके okay? यहाँ पे देखो टपल टी वन इज क्रिएटेड फ्रॉम अनादर सीक्वेंस अ स्ट्रिंग पाइथन ओके इट जनरेटेड इट जनरेटेड इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग तो जो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं ओके वो अब क्या बन जाएंगे टपल के एलिमेंट्स बन जाएंगे ओके okay, स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन जाएंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट था जो फर्स्ट क्राइटर था पी वो टपल का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट एंड लाइक दिस ओके okay, तो यहाँ पे टपल फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग सीक्वेंस को पास किया तो टपल फंक्शन ने क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया टपल में ओके okay, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो स्ट्रिंग के थे वो अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स बन गए हैं टपल के फाइन नाउ नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली है एल ओके okay, उसके एलिमेंट्स है वन टू थ्री फोर फाइव लिस्ट क्या दिस इज ऑल्सो अ सिक्वेंस ओके अब हमने <coughs> म लिया है टी टूल टू टपल अब टपल फंक्शन के अंदर आपने लिस्ट 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 को पास कर दिया अब लिस्ट जो लिस्ट है उसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे टपल एलिमेंट्स बन जाएंगे ओके अब जब आप देखो टी टू को प्रिंट कराते हो तो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो अब क्या बन चुके हैं टपल के एलिमेंट्स बन चुके हैं राइट तो टपल फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी सिक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हो टपल में राइट बाय बाप्टिंग यूजर इनपुट आप यूजर इनपुट कराकर भी ठीक कर फर्स है okay? तो फर्स्ट मेथड में क्या है आप सिंगल सिंगल करेक्टर्स या सिंगल सिंगल डिजिट्स की टपल क्रिएट कर सकते हो राइट right? तो ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है इनपुट लिया है देखो t1 क्या है टपल का नेम टपल फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है इनपुट कराया है टपल फंक्शन के अंदर आप आपने इनपुट कराया है एंटर टपल एलिमेंट्स ओके तो जब इनपुट फंक्शन का यूज करोगे तो ये क्या प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा एंटर टपल एलिमेंट आपका एंटर टपल एलिमेंट आ जाएगा राइट right? आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 दे दिया ओके okay, अब देखो आपने जो इनपुट फंक्शन है इनपुट फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ हमारा प्रॉम्प्ट आया एंटर टपल एलिमेंट्स आया ओके okay, आपने क्या किया उस प्रॉम्प्ट पर क्या किया आपने अपना यूजर इनपुट दे दिया फाइन अब देखो जो इनपुट फंक्शन है उस, उस उसको किसने एनक्लोज किया उसे टपल फंक्शन ने एनक्लोज किया हुआ ठीक है मतलब इनपुट फंक्शन को किस आ, कहां पे आपने पास किया हुआ है टपल फंक्शन के अंदर पास किया है तो जो भी वैल्यू आप एंटर कराओगे टपल फंक्शन उसे क्या कन्वर्ट कर देगा उसे टपल में कन्वर्ट कर देगा ओके और टपल में कन्वर्ट करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा वन के अंदर चला जाएगा ठीक है ओके टी वन वेरिएबल के अंदर चला जाएगा जो क्या है टपल वेरिएबल है यहाँ पे समझ आया इनपुट फंक्शन की हेल्प से आपने यूजर से इनपुट कराया ओके okay. जो भी वैल्यू आपने इनपुट कराई वो कहाँ कहाँ पे चली गई वो कहाँ पे पास हो रही है टपल फंक्शन के अंदर पास हो रही है क्योंकि आपने इनपुट फंक्शन को किस में आ, पास किया हुआ है टपल फंक्शन में पास किया हुआ है तो जो भी वैल्यू आप डालोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी टपल में कन्वर्ट हो जाएगी राइट right? ओके okay. ओके okay, एंड ये पूरा का पूरा टप्पल का जो भी टपल क्रिएट होगी हो वो कहाँ जाएगी टीवन के अंदर तो अब आप टीवन को प्रिंट कराओगे तो आप देखो सिंगल करेक्टर की आपकी टपल आ गई है सिंगल डिजिट या सिंगल करेक्टर की वन टू थ्री या फिर सिंगल डिजिट की आपकी टपल क्रिएट हो गई है फाइन ओके नेक्स्ट मेथड क्या है हम यूजर इनपुट ही हैप से ही टपल बनाएंगे लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फोर लूप का यूज कर रहे हैं फाइन अब देखो अब सबसे पहले आपने क्या किया एक एम टी टपल क्रिएट किया टपल फंक्शन की से आपने है uh, टपल को क्रिएट किया है वो टपल क्या है टी ओके नेक्स्ट काम क्या आपने करना है आपने यहाँ पे क्या किया इनपुट लिया है इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से इनपुट लिया एंटर एनी नंबर ओके okay. और यहाँ पे इन फंक्शन से क्या किया है? जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए आपने क्या किया इनपुट फंक्शन को इंटीजर फंक्शन में इनक्लोज किया है राइट दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स फाइन ये आपको पता होगा ओके okay. तो जो भी आप इनपुट दोगे वो कहाँ चला जाएगा एन के अंदर फाइन अब हमने लगाया लूप ओके okay. लूप लगाया क्योंकि हमने एक एम टी टप्पल लिए ली है और उस टपल के अंदर हमें वन बाय वन एलिमेंट्स को डालना है ओके okay. तो अब यहाँ पे हमने लगाया फोर लूप फोर आई इन रेंज रेंज ठीक है रेंज फंक्शन हमने लिया है उसमें हमने लिया एन ठीक है अब आई कहाँ तक चलेगा आई कहाँ तक वैल्यूज को उ, किस वैल्यू तक चलेगा एन वैल्यू तक और एन वैल्यू हमने ऊपर एंटर करा दिया देखो जब आपने ऊपर दिया था एंटर एनी नंबर ये प्रॉम्प्ट आया आपका एंटर एनी नंबर लेटर तो आपने यहाँ पे दे दिया फोर तो आई जो आपका लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा वो फोर टाइम्स चलेगा यहाँ पर ठीक है फोर टाइम्स चलेगा अब फर्स्ट फर्स्ट लूप चलेगा फर्स्ट 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 टाइम टाइम जब कंट्रोल अंदर जाएगा फाइन कंट्रोल अंदर जाएगा तो आपने क्या किया है आपने ए वेरिएबल इक्वल टू इनपुट एक फ्रॉम दिया एंटर नंबर फर्स्ट नंबर को एंटर करो ओके okay. आपके पास आ गया एंटर नंबर आपने फर्स्ट नंबर को एंटर कर दिया टेन फाइन ओके नेक्स्ट क्या है टी इक्वल टू टी क्या है हमारी एम टी ट्रपल है ओके टी इक्वल टू टी प्लस ए एके अभी टी क्या है ठीक तो है टी प्लस ए तो एम टी है टी के अंदर ठीक है आपने किसको डाला है ए को डाला है अभी टी तो हमारी एम टी खाली है तो टी के अंदर आपने क्या किसको अपेंड कराया अपेंड कराया है मतलब ज्वाइन किया है ए को तो ए हमारा क्या है टेन तो टी के अंदर क्या चला गया टेन ओके टी के अंदर आपका चला गया टेन और आपने क्या किया प्रिंट आउटपुट इज ओके okay. अब यहाँ पे ये 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 कब आएगा ये तो बाद में आएगा जब तक जब पूरा आपका पूरा आपका फोर लूप कंप्लीट हो जाएगा ओके वन टाइम फोर लूप चला आप सेकेंड टाइम फिर चलेगा. चलेगा फिर आप आएगा एंटर नंबर यहाँ पे एंटर नंबर आपने दे दिया ट्वेंटी फाइन अब क्या है टपल के अंदर ऑलरेडी टेन है ओके टी प्लस ए अभी आपने ट्वेंटी दिया है तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ज्वाइन हो जाएगा या हो जाएगा यहाँ पे आपका आ गया ट्वेंटी फाइन इन द सेम वे आपका लूप फोर टाइम्स चलेगा फोर टाइम्स चलेगा आपने फोर वैल्यूज दे दी ओके ओके फोर टाइम्स चलने के बाद क्या होगा आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा प्रिंट आउटपुट इज आउटपुट इज देखो ये आउटपुट इज और फिर नेक्स्ट लाइन में आपने प्रिंट कर दिया टी टपल को प्रिंट करा दिया तो ये आपकी टपल आ गई फाइन दिस इज योर टपल ओके okay? समझ आया तो यहाँ पे हमने फोर लूप की हेल्प से टपल को यूज़र इनपुट्स से उस टप्पल में वैल्यूज़ को ऐड कराया है ओके okay? ओके okay. अब यहाँ पे हमारा क्या है नेक्स्ट हम यूज़र से इनपुट कराएंगे टपल के एलिमेंट्स ओके okay? लेकिन यहाँ पे हम वायल वायल लूप का यूज़ कर रहे हैं अगेन आपने सबसे पहले क्या लिया एक एम्प्टी टपल लिया जिसके अंदर आपको वैल्यूज को ऐड कराना है नेक्स्ट आपने लिया इनपुट एंटर एनी नंबर ओके आपको मतलब ये बताना है कि कितने नंबर्स आपको इसमें डालने हैं जैसे मैंने थ्री टपल कितनी वैल्यूज डालनी है थ्री डालनी है तो मैंने थ्री दे दिया तो वो कहाँ चला गया एन के अंदर ओके okay? फिर आपने एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू वन ओके okay, हमने कंसीडर कर दिया आई क्या है वन नाउ वी हैव में हमने क्या किया आई स्मॉलर देन इक्वल टू एन आई कब तक चले जब तक कि वो या तो एन से छोटा है या एन के इक्वल है ओके okay? तो जैसे हमने थ्री लिया है तो आई कहाँ तक चलेगा वन टू थ्री थ्री टाइम्स चलेगा ओके okay, तो फर्स्ट टाइम में आपने क्या किया फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आपने इनपुट क्या इनपुट uh, फंक्शन क्या दिया है एंटर नंबर तो आपका यहाँ पे आ गया एंटर नंबर ओके आपने नंबर क्या दिया टेन ओके okay, तो नेक्स्ट okay, तो आपने क्या दिया टी जो आपकी uh, empty है उसमें क्या अपेंड हो जाए ए अपेंड हो जाए मतलब ए ज्वाइन हो जाए तो आपका फर्स्ट आ गया टेन ओके देन आपने आई की वैल्यू क्या कर दी टू कर दी मतलब सेकंड टाइम अब आपका लूप चलेगा फिर आपका एंटर नंबर आया यहाँ पे आपने ट्वेंटी दे दिया ओके okay, नेक्स्ट आपने कमांड कमांड दिया में टी में जो, मतलब जो वैल्यू तो हो जाएगी थ्री फाइन थर्ड टाइम लूप चलेगा तो आप दे दोगे थर्टी ओके okay, तो अगेन वो क्या हो जाएगा टपल में ज्वाइन हो जाएगा फाइन जब फोर हो जाएगी आई की वैल्यू तो क्या होगा ये लूप स्टॉप हो जाएगा यहीं पर राइट right? तो उसके बाद क्या आपने किया है प्रिंट आउटपुट इज आपने आउटपुट को प्रिंट कराया है टी टपल को आपने प्रिंट करा दिया फाइन तो सिंपली आप यूजर इनपुट भी लेकर टपल को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप्स राइट ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टपल